अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चीनी कंपनियों ने कराची में पीने के पानी की फरहमी में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनियों को 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की है। नवाज शरीफ अपनी डील और हमारे एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चाहता है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, डिफॉल्ट ज़दा हुकूमत का गंद उठाना आसान काम नहीं, अगर फैसला लोगों ने अपने हाथ में ले लिया तो फैसला कुछ भी हो सकता है। हम बार बार तारीख देंगे और बदलेंगे, इन्हें थका थका कर मारेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हमारे तमाम इस्तीफे मंजूर करे और इलेक्शन करवाए, अगली 120 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार इमरान खान होंगे। इश्तियाल अंगेजी तकरीर केस, ख्वाजा इजहार, फारूक सत्तार और वसीम अख्तर बरी। अदालत ने सलमान मुजाहिद बलोच को 2, रऊफ सिद्दीकी और कमर मंसूर को 1-1 मुकदमे में बरी कर दिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात भारतीय यात्रियों के लिए 3 ट्रेनें चलाने का फैसला। भारत से 3,000 जबकि कनाडा और इंग्लैंड समेत दुनिया के दीगर ममालिक से भी सिख यात्री तकरीबात में शिरकत करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. चीनी कंपनी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अगले साल के इब्तिदा में गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी करा दी। मज़े जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरक मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी है। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों को 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश की है और बलूचिस्तान में काम करने वाली कंपनियों को गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज़ करके मंसूबा रवां साल मुकम्मल करने पर इसरार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कंपनियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आगाह हूँ कि माजी में बहुत मसाइल आए जिस पर माजरत ख्वाह हूँ। 11 अप्रैल 2022 को इक्तदार संभालने के बाद कंपनियों को दरपेश मसाइल हल किए। चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी कर चुके हैं। 50 अरब रुपए गुज़िश्ता रोज़ अदा कर दिए गए हैं और 50 अरब रुपए से रिवॉल्विंग फंड बना दिया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की हिदायत पर स्टेट बैंक ने रिवॉल्विंग अकाउंट बना दिया, अदायगियों के साथ ही मजीद 50 अरब रुपए इसमें शामिल हो जाएंगे। उनका कहना था, चीनी दरामदी कोयले की अदायगियों में माजी में मसाइल आए जिस पर अफसोस है। द्यामर भाषा मंसूबे में आराजी के हुसूल के मसाइल को हल करेंगे। चीनी भाइयों बहनों के जाबहक होने के वाकयात पर बेहद दुख और अफसोस है। मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें मिसाली सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि चीनी बाशिंदों की बेहतरीन सिक्योरिटी के इकदाम किए जा रहे हैं। सी पैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाली चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें चीनी भाई बहनों की सलामती अपने भाई बहनों की तरह अजीज है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि राना सनाउल्ला जहनी मरीज और उजरती कातिल है जो इदारों को बेवकार करने की नाकाम नापाक कोशिश करेगा और रुस्वा होकर घर जाएगा। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ अपनी डील और हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चाहता है, अपने लिए रिलीफ और हमारे लिए तकलीफ चाहता है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने अपने बयान में लिखा कि राना सनाउल्ला जहनी मरीज और उजरती कातिल है जो इदारों को बेवकार करने की नाकाम नापाक कोशिश करेगा और रुस्वा होकर घर जाएगा। मसला सियासत नहीं अब रियासत है।
नवंबर भारी और फैसला कुन होगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि 10 नवंबर को भरपूर हिकमत अमली के साथ इमरान खान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा। रावलपिंडी का अजीम शान तारीखी इस्तकबाल फैसला कुन होगा। साबिक वफाकी वजीर ने हुकूमती मौशी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि ना गंदम ना गैस ना LPG है, 30% महंगाई बढ़ गई है, डिफॉल्ट ज़दा हुकूमत का गन उठाना आसान काम नहीं, अगर फैसला लोगों ने अपने हाथ में ले लिया तो फैसला कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले मुजाहरों से ज़्यादा बड़े मुजाहरे लंदन में हो रहे हैं। ये तहरीक एहतसाब और मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करने की तहरीक है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि गुजरावाला में इमरान खान के ख़िलाफ़ बैनर्स लगवाने पर खुर्रम दस्तगीर को गिरफ़्तार किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली, हमारी तमाम नशस्तों पर इस्तीफ़े कबूल करें और इलेक्शन करवाएं। अगली 120 नशस्तों पर भी उम्मीदवार इमरान खान होंगे। मरियम नवाज़ पर अब पाबंदी नहीं, वो इलेक्शन लड़ लें, उनको अपनी मकबूलियत का पता चल जाएगा। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी का कहना था, पुलिस अहलकार ही हमारी हकीकी आज़ादी का हरावल दस्ता है। हम किस दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये फैसला हमने करना है। हम तारीख देंगे और तारीख बदलेंगे, हम उन्हें थका थका कर मारेंगे। फवाद चौधरी का कहना था, शरीफ फैमिली अपने पैसे ठिकाने लगाने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि राना सनाउल्ला और मरियम औरंगजेब को मार्च के आहिस्ता होने पर तकलीफ है, लेकिन हम अपनी मंजिल पर अपनी मर्जी से चलेंगे, आपकी मर्जी से नहीं। हम इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख बदलते रहेंगे, आपको थका देंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था, 37 हलकों पर इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 29 पर PTI की जीत हुई। शहबाज शरीफ और फजल रहमान समेत जिसको शौक है इलेक्शन लड़े, मकबूलियत का पता चल जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फारूक सत्तार, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार समेत तमाम मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने सलमान मुजाहिद बलोच को 2, रऊफ सिद्दीकी और कमर मंसूर को 1-1 मुकदमे में बरी किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मलिर सिटी, सच्चल और ब्रिगेड थाने में 2016 में मुकदमा दर्ज किए गए, उन पर बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 553वें जन्म दिन की 3 रोजा तकरीबात 6 नवंबर से ननकाना साहब में शुरू होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 553वें जन्म दिन की 3 रोजा तकरीबात 6 नवंबर से ननकाना साहब में शुरू होगी, जिसके लिए रेलवे हुकाम ने वाघा स्टेशन से भारतीय यात्रियों के लिए 3 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। भारत के शहर दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स की तकरीबा 7 नवंबर, जबकि सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 553वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबा 6 नवंबर से ननकाना साहब में शुरू होगी, जिसमें भारत से 3,000 जबकि कनाडा और इंग्लैंड समेत दुनिया के दीगर ममालिक से भी सिख यात्री शिरकत करेंगे। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान से 150 से ज़ायद ज़ायरीन शिरकत करेंगे। सालाना उर्स में शिरकत के लिए ज़ायरीन वाघा बॉर्डर के रास्ते जाएंगे और 13 नवंबर को वापस पाकिस्तान आएंगे। सिख यात्री मरकजी तकरीब के अख्तिताम के बाद सच्चा सौदा अमीनाबाद, हसन अब्दाल और करतारपुर भी जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को सिख यात्री वापस लाहौर गुरुद्वारा डेढ़ साहब आएंगे, जहां वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के बाद 15 नवंबर को वापस वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना हो जाएंगे। CEO रेलवे सलमान सादिक के मुताबिक भारत से आने वाले सिख यात्रियों की सहूलत के लिए वाघा रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों पर मुश्तमिल बोगियों के रैक चलाने का फैसला किया गया है, जबकि भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते ऑन फिट पाकिस्तान में दाखिल होंगे और उनकी इमिग्रेशन मुकम्मल होने के बाद बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए वाघा रेलवे स्टेशन से ही सीधा ननकाना साहब रेलवे स्टेशन लेकर जाया जाएगा। यात्रियों की सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इकदाम किए गए हैं, जबकि सिख यात्रियों की स्पेशल ट्रेनों के करीब किसी भी गैर मुतालिका अफराद को आने की इजाज़त नहीं होगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।